राधे राधे दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे श्रीमती राधा रानी की बाल लीलाओं की। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब हमारी प्यारी सी श्रीमती राधा रानी बहुत छोटी सी थी। तो एक दिन वो गोपियों के साथ खेल रही थी, तभी दुर्वासा मुनि वहाँ पर पधारते हैं। सबको पता था कि दुर्वासा मुनि काफी क्रोधी स्वभाव के हैं और क्रोध के लिए ये जाने जाते हैं। पल भर में वो किसी को भी श्राप दे सकते हैं, लेकिन इस बात से अनभिज्ञ हमारी राधा रानी तो खेलने में व्यस्त थी। राधा रानी ने खेल खेल में मिट्टी के लड्डू बना दिए। जब उन्होंने दुर्वासा मुनि को देखा तो उन्होंने वो लड्डू उन्हें खाने के लिए दिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ये तो मिट्टी के लड्डू है लाली, मैं ऐसे कैसे खा सकता हूँ। फिर भी राधा रानी माने नहीं, वो कहती है कि नहीं, आपको खाना ही पड़ेगा बाबा। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मैं ले लूंगा, बच्चे का मन रह जाएगा, मुंह में रखकर थोड़ी दूर जाकर फेंक दूंगा। तो उन्होंने लिया और लड्डू को मुंह में रखा। जैसे ही उस लड्डू को उन्होंने अपनी जीभ पर रखा, लड्डू जीभ पर रखते ही पूरी तरह से घुल गया। और दोस्तों, यकीन मानिए, उस लड्डू का स्वाद ऐसा था जैसा संसार में कभी किसी ने चखा ना हो। वो पूरी तरह से उसके स्वाद में खो गए, मुग्ध हो गए। उस लड्डू को खाकर दुर्वासा मुनि को श्रीमती राधा रानी के परम स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और वो राधा रानी को हमारी प्यारी सी किशोरी जी को वरदान दे देते हैं अमृत पानी का। अमृत पानी अर्थात उनके हाथ का बना खाना जो भी खाएगा उसकी दीर्घायु होगी, उसका कोमल सुंदर शरीर होगा, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी और वो हमेशा खुशहाल रहेगा। और इस वरदान की बात जल्दी ही पूरे बरसाना और वृंदावन में भी फैल जाती है। और ये बात यशोदा मैया को भी पता चली तो उन्होंने सोचा कि यदि हमारी राधा हमारे कान्हा के लिए खाना बनाकर खिलाएगी तो श्री कृष्ण में भी ये सभी गुण आ जाएंगे। यशोदा मैया ने तुरंत अपनी बहुत अच्छी सहेली माता कीर्तिदा को ये बात बताई और कीर्तिदा माता ने भी खुशी खुशी राधा रानी को प्रतिदिन यशोदा मैया के यहाँ भेजने के लिए सहमति दे दी। और अब हो ये रहा है कि हर दिन हमारी प्यारी सी राधा रानी यशोदा मैया के यहाँ पर आने लगी। राधा रानी हर दिन अलग अलग तरह के व्यंजन अपने कन्हैया के लिए बनाने लगी, उन्हें खिलाने लगी। अब हर दिन वो जो व्यंजन बनाती थी वो पहले वाले व्यंजन के जैसा नहीं होता था। वो हर दिन जो व्यंजन बनाती थी वो पहले वाले से बिल्कुल अलग और बहुत अच्छा होता था। इसलिए मंदिरों में, विशेष रूप से इस्कॉन के मंदिरों में, आज भी वो रसोई जिसमें विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसाद बनता है, उनका खाना बनता है, उस रसोई को राधा रानी की रसोई कहा जाता है। यशोदा मैया ने देखा कि राधा रानी बेहद गुणवान है, उनके अंदर एक आदर्श स्त्री में पाया जाने वाला प्रत्येक गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि यदि राधा उनके घर की बहू बन जाए तो एक दिन यशोदा मैया ने राधा रानी के हाथों में हल्दी लगा दी, जिसका मतलब है कि वो उनके घर की बहू बनने वाली है और यशोदा मैया को राधा रानी बहू के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार है। यशोदा मैया राधा रानी को हल्दी लगाने के बाद कहती है कि जाओ और जाकर इसे अपनी मैया को दिखा देना। राधा रानी बहुत छोटी थी तो उन्हें ये पता ही नहीं था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और हल्दी वाले हाथ लेकर चल पड़ी अपनी मैया को सब कुछ बताने। राधा रानी जब रास्ते में जा रही थी तो सखियों ने उनसे पूछा कि ये क्या, तुम्हारे हाथ में हल्दी किसने लगाई राधे, ये तो बताओ। तो राधा ने बताया कि ये यशोदा मैया ने। सखियों ने कहा, इसका मतलब पता है? तो राधा जी बोली, नहीं, मुझे तो नहीं पता। अब आगे राधा रानी चलने लगी तो सभी राधा रानी को देखने लगे और वो भी अचंभे की नजरों से। अब राधा रानी को भी शर्म आने लगी। तभी उन्हें एक कुंड दिखा और उस कुंड में जाकर वो अपने हाथ धोने लगी। हाथ धोते धोते वो सोच रही थी कि मेरी शादी होगी, कन्हैया के साथ होगी, कैसे दिखेंगे वो, कैसे सजूंगी मैं, क्या होगा ये सब। असल में राधा रानी को रास्ते में ही आभास हो गया था कि हाथों में हल्दी लगने का मतलब क्या है, इसलिए राधा रानी अब हाथ धोते धोते ये सब कल्पनाएं कर रही थी। खैर, राधा रानी हाथ धोए जा रही हैं, लेकिन उनके हाथों से प्रेम का ये पीला रंग छूट ही नहीं रहा है, उन्हें पता भी नहीं है, वो बहुत देर से हाथ धो रही हैं। तभी उनकी सखी ललिता वहाँ पर पीछे से आती है और बोलती है, बस राधे, कुंड पीला पड़ने लगा है। कुंड पूरा पीला हो गया। जब राधा रानी ने इसे देखा तो वह हैरान रह गई। इसलिए इस कुंड को आज भी पीली पोखर कहा जाता है, जो आज भी बरसाना वृंदावन धाम में पाया जाता है। कीर्तिदा माता के पास राधा रानी पहुंची और लीला के अनुसार श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण परकीय भाव से पूजे जाते हैं और इसलिए उनका विवाह नहीं होना था और इसलिए विवाह नहीं हुआ। जब कृष्ण
पीली पोखर के पास आए राधा रानी के पीछे पीछे और उन्हें पता चला कि इस प्रकार राधा रानी ने यहाँ पर अपने हाथ धोए हैं और पूरा कुंड सुंदर पीले रंग से ढक चुका है, तो वो उस कुंड में नहाने के लिए तुरंत प्रवेश कर जाते हैं। वास्तव में वो पीला रंग जो राधा रानी के हाथों से छूट ही नहीं रहा था, लेकिन उस पीले रंग के प्रभाव से पूरा सरोवर पीले रंग में बदल गया। वो पीला रंग हल्दी का नहीं था, वो तो राधा रानी के भाव का, उनके प्रेम का रंग था, और उनके भाव का नाम है माधनक्या महाभाव। इसका रंग पीला है, इसी भाव का रंग उस पूरे कुंड में फैल गया था। जब श्री कृष्ण उस पीले रंग के कुंड में प्रवेश करते हैं, तो कृष्ण का रंग भी राधा रानी के समान पिघले हुए सोने की तरह हो गया था। जब वो कुंड से बाहर निकले, तो राधा रानी के भाव उनके प्रेम के रंग में रंग गए थे। यहाँ उन्होंने अपने उस रूप को प्रकट किया जो बताया जाता है कि वो कलयुग में लेने वाले थे। तो दोस्तों, ये है वो लीला जो हमें बताती है महिमा कि क्यों आज भी राधा रानी की रसोई में ही बनता है कन्हैया का खाना। आखिर क्यों आज भी राधा रानी ही साक्षात माना जाता है कि बनाती है अपने कन्हैया के लिए खाना, ताकि उनकी वो दीर्घायु और सबसे तीव्र बुद्धि। इसके अलावा ये कहानी हमें बताती है कि क्या है महिमा पीली पोखर की। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishnamysoulkhushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।